हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन आदमी चल रहे थे कि बारिश ने इन्हें आ लिया और उन्होंने मुड़ कर पहाड़ी की गार में पनाह ली। इसके बाद इनकी गार के मुंह पर पहाड़ की एक चट्टान गिरी और इसका मुंह बंद हो गया। अब बाद ने बाद से कहा कि तुमने जो नेक काम किए हैं इनमें से ऐसे काम को ध्यान में लाओ जो तुमने खालस अल्लाह के लिए किया हो, ताकि अल्लाह से इसके ज़रिए दुआ करो, मुमकिन है वो गार का मुंह खोल दे। इस पर इनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे वालदैन थे और बहुत बुरे थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं इनके लिए बकरियां चराता था और वापस आकर दूध निकालता था, तो सबसे पहले वालदैन को पिलाता था। अपने बच्चों से भी पहले एक दिन चारे की तलाश ने मुझे बहुत दूर ले जा डाला। चनाचा मैं रात गए वापस आया, मैंने देखा कि मेरे वालदैन सो चुके हैं। मैंने मामूल के मुताबिक दूध निकाला, फिर मैंने दुहा हुआ दूध लेकर आया और इनके सरहाने खड़ा हो गया। मैं गुवारा नहीं कर सकता था कि इन्हें सोने में जगाऊं, और ये भी मुझसे नहीं हो सकता था कि वालदैन से पहले बच्चों को पिलाऊं। बच्चे भूख से मेरे कदमों पर लेट रहे थे और इसी कशमकश में सुबह हो गई। पश ऐ अल्लाह, अगर तेरे इलम में भी ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था, तो हमारे लिए कुशादगी पैदा कर दे कि हम आसमान देख सकें। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और इनके लिए इतनी कुशादगी पैदा कर दी कि वो आसमान देख सकते थे। दूसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे एक चाचा जात बहन थी और मैं इससे मोहब्बत करता था। वो इंतहाई मोहब्बत जो एक मर्द एक औरत से कर सकता है, मैंने इससे उसे मांगा तो उसने इनकार किया और सिर्फ इस शर्त पर राजी हुई कि मैं इसे 100 दिनार दूँ। मैंने दौड़ धूप की और 100 दिनार जमा कर लाया, फिर इसके पास इन्हें लेकर गया। फिर जब मैंने इनके दोनों पाँव के दरमियान में पीठ बैठ गया, तो इसने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और मोहर को मत तोड़। मैं ये सुनकर खड़ा हो गया और जना से बाज रहा। पश अगर तेरे इलम में भी मैंने ये काम तेरी रजा खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था, तो हमारे लिए कुछ और कुशादगी चट्टान को हटा कर पैदा कर दे। चनाचा इनके लिए थोड़ी सी और कुशादगी हो गई। तीसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने एक मज़दूर एक फिरक चावल की मज़दूरी पर रखा था। इसने अपना काम पूरा करके कहा कि मेरी मज़दूरी दो। मैंने इसकी मज़दूरी दे दी, लेकिन वो छोड़ कर चला गया और इसके साथ बेतुहज्जी की। मैं इस बचे हुए दहन को बोता रहा और इस तरह मैंने इससे एक गाय और इसका चरवाहा कर लिया। फिर जब वो आया तो मैंने इससे कहा कि ये गाय और चरहावा ले जाओ। इसने कहा, अल्लाह से डरो और मेरे साथ मजाक ना करो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता, इस गाय और चरवाहे को ले जाओ। चनाचा वो इन्हें लेकर चला गया। पश अगर तेरे इलम में भी मैंने ये काम तेरी रजा खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था, तो चट्टान की वजह से गार से निकलने में जो रुकावट बाकी रह गई है इसे भी खोल दे। चनाचा अल्लाह ताला ने इनके लिए पूरी तरह कुशादगी कर दी, जिससे वो बाहर आ गए।